देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में हम आजादी के अमृत काल को जी रहे हैं। लाखों लोगों की शहादत और लंबे संघर्ष के बाद भारत ने 1947 में आजादी हासिल की। इन महान क्रांतिकारियों में ऐसे भी कई अमर सेनानी हैं जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। उन्हीं में से एक थे वासुदेव बलवंत फड़के, भारतीय सशस्त्र विद्रोह के प्रणेता। 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के शिरढ़ोण में बलवंतराव और मां सरस्वती बाई के घर वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म हुआ। फड़के ने 1862 में मुंबई विद्यापीठ से स्नातक की शिक्षा पूरी की। उन्होंने अलग अलग सरकारी संस्थाओं में काम भी किया। 1865 में उन्हें पुणे के सैन्य वित्त कार्यालय में नौकरी मिली। हुआ यूं कि एक बार वासुदेव बलवंत फड़के की मां बीमार पड़ गई। फड़के ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया जिसे फिरंगी सरकार ने खारिज कर दिया। वे किसी तरह अपने गांव पहुंचे, तब तक मां विदा हो चुकी थी। बाद में फड़के को मां के श्राद्ध के लिए भी छुट्टी नहीं दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के विरोध में पूरे पुणे में सार्वजनिक भाषण देना और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, फड़के फड़क उठे। वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के विरोध में पूरे पुणे में सार्वजनिक भाषण देना और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। 1879 में फड़के ने गोपाल हरि कर्वे, विष्णु गद्रे, गणेश देवधर और अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर भारत की सबसे पहली क्रांतिकारी सशस्त्र सेना रामोशी का गठन किया। शस्त्रों के लिए फड़के की टोली ने अंग्रेज साहूकारों और जमींदारों से साम दाम दंड भेद लगाकर पैसे निकाले और स्वराज्य प्राप्ति के बाद सूद सहित वापसी का वादा भी किया। फड़के ने देश की भावी अर्थव्यवस्था की पूरी रूपरेखा तैयार की। वहीं अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तो दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से पोस्टर लगे मिले कि जो व्यक्ति अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा उसे 75,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जिसको देखते हुए अंग्रेज अधिकारी मंत्रणा करने के लिए विश्राम बाग में इकट्ठा हुए। एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 रात के ठीक 12 बजे साथियों समेत वासुदेव ने हमला कर अंग्रेज अफसरों को मारा और भवन को आग लगा दी। ये दोनों भवन भूतपूर्व पेशवाओं के थे जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लंदन टाइम्स में इसका जिक्र पूरे ब्यौरे के साथ छपा था। एक गद्दार के कारण फड़के को जुलाई 1879 में बीजापुर जिले के देवर नावडगी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। वासु को बेड़ियों से जकड़कर अरब के अदन की जेल ले जाया गया। वहां जर्जर अवस्था में रहते हुए भी हथकड़ी बेड़ी तोड़कर अदन की ऊंची प्राचीर से फड़के ने छलांग लगा दी। करीब 17 मील भागने के बाद वो फिर से पकड़े गए। 17 फरवरी 1883 में आमरण अनशन के दौरान यमन में अदन के किले में वीर सपूत वासुदेव बलवंत फड़के हमेशा के लिए शहीद हो गए। हैरत की बात है कि फड़के की गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम की रकम हैदराबाद निजाम के द्वारा दी गई थी। कोर्ट में वासुदेव बलवंत फड़के ने जज के सामने कहा था, मेरे प्राण भले ही चले जाएं पर मेरा देश सुखी हो, स्वतंत्र हो, समृद्ध हो, इसी कारण मैंने शस्त्र उठाया, विद्रोह किया। यही आज हर भारतीय का कर्तव्य है। मैं न सही, कभी कोई तो सफल होगा। ऐसे ही अदम्य साहस वाले क्रांतिकारियों की प्रेरणा बने वासुदेव बलवंत फड़के और ऐसे ही असंख्य बलिदानों के कारण आखिरकार देश स्वतंत्र हो सका।